हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। और घूम फिर के तो तुम आ ही गए होगे इस वीडियो पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप जो ये रोते हो ना, आईडी बैन हो गई वगैरह वगैरह, आईडी चली गई, अरे पासवर्ड कर गई मेरा, ऐसा कुछ नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। बस वीडियो को पूरा देख लेना। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आए दिन तो आप फ्री फायर में मिस्टेक करते रहते हो, लेकिन आजकल तो कुछ मिस्टेक कुछ ज्यादा ही बढ़ गए क्योंकि केसेस मेरे सामने बहुत आ रहे हैं। मेरे दोस्तों के केसेस भी बहुत आ रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आज की वीडियो में सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अपनी आईडी को जितना सिक्योर रख सको उतना सिक्योर रख लो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोई जादू बाबा की छड़ी लेके आओ या किसी से आईडी पे मंत्र मरवा लो या फिर आईडी का बैकअप ले लो, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि मुझे लगता है इतने समझदार तो तुम होगे कि तुम्हें अपनी जीमेल या फिर फेसबुक का पासवर्ड तो याद ही होगा। तो इनका तुम्हें क्या करना है, मतलब जीमेल तुमने किस तरह से सेट करके रखा है, फेसबुक तुमने किस तरह से सेट करके रखा है, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। एंड इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बस एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नंबर वन, न्योछावर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना तुम। अक्सर हम में से, मैं भी उनमें से ही हूँ, स्टोरी तुमने शुरू में देख ही ली होगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग इतने बड़े वाले होते हैं, हम कुछ लोग मेरे जैसे कुछ, यहाँ टॉपअप का नाम सुना वहाँ पर हम लोग लाल टपकाने लगते हैं। फिर चाहे हमने आईडी में कितनी मेहनत करी हो, आईडी 70 या 75 लेवल की क्यों ना हो, लेकिन हम जहाँ भी टॉपअप का नाम सुनते हमारी राह उधर ही मुड़ जाती है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अगर आप उस बंदे को जानते नहीं हो ना, तो भाई उस बंदे के हाथ में आईडी तो बिल्कुल भी दे ही मत देना। लेकिन हाँ, फिर भी अगर तुम्हें इतना ट्रस्ट है ना, अगर तुम उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखे हो, एक दो साल होने को जा रही है, लेकिन बात भी कर लो सही तरह से, मतलब हाँ तुम्हें लगता है कि उस लड़के का कैरेक्टर सही है, वो अपने मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक्टिव है, अच्छे से वीडियो डालता है, सब कुछ करता है, फिर भी एक्सचेंज ऑफर जरूर करना। एक्सचेंज ऑफर क्या करना मैं तुम्हें बताता हूँ, इतने समझदार तो तुम होगे कि एक्सचेंज का मतलब तुम्हें पता होगा, नहीं होगा तो बता देता हूँ। अदला बदली। नंबर टू, यूजिंग हैकिंग डिलीट फाइल वगैरह वगैरह फलाना ढिमका। एक्चुअली हम लोग लॉबी एडिट के लिए ना कुछ ज्यादा पागल हो गए हैं, इसलिए हम लोग इमोट्स यूज करते हैं, बैसेस यूज करते हैं। वाह वाह वाह, नहीं वाह, अच्छा अच्छा चैनल ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर तुम्हारी वो ओरिजिनल आईडी है ना, तो भाई मैं तुम्हें इतना ही सजेस्ट करूंगा कि तुम उस आईडी में कुछ गिलिच वगैरह तो यूज मत ही करो। हैक से तो तुम्हें पता है आईडी बैन होनी आईडी बैन। हाँ, कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े वाले, वो कोडिंग पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन आईडी पे तुम गिलिच फाइल्स यूज ना ही करो तो अच्छा है। क्योंकि देखो यार, फ्री फायर ने उसे ओरिजिनल अपनी तरफ से तो बनाया नहीं है, किसी और ने तो बनाया, और किसी और के ऊपर तो ट्रस्ट करना इस दुनिया में मतलब। एंड आपका चैनल अगर लॉबी एडिट से ग्रो हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं यार, आप कोई आईडी बनाओ, उसमें थोड़ी मतलब कुछ दिन तक खेलो, कोई अच्छी खासी ड्रेस खेलो, गिलिच फाइल यूज करो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन करने के बाद क्लियर डाटा गेम का मानना मत भूलना यार, मत भूलना गेम का क्लियर डाटा मानना, वरना जो अच्छी खासी 70 लेवल की आईडी होगी ना तुम्हारी, वो भी बैन हो जाएगी उसके चक्कर में। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और होप सो यार चैनल तो तुम सब्सक्राइब कर दोगे, नहीं करोगे कोई बात नहीं, चैनल का नाम याद रख लो, घूमते फिरते रहा करो चैनल पे।